रामानंद सागर जी द्वारा बनाया गया रामायण धारावाहिक एक ऐसा सीरियल है जिसने टीवी जगत की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की थी। यह एकमात्र ऐसा धारावाहिक है जिसे भारत के हर घर में देखा गया। इसमें भूमिका निभाने वाले कलाकार हमेशा के लिए अमर हो गए। लोग उन्हें सच में भगवान समान मानकर पूजने लगे। इस धारावाहिक को टीवी पर 3-4 बार फिर से प्रसारित किया गया, लेकिन हर बार इसकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने इसे हर बार देखा और अपने बच्चों को भी दिखाया। आखिरी बार इसे भारत में लगे लॉकडाउन के समय में दिखाया गया और उस समय भी इसे लगभग हर भारतवासी ने पहले से ज्यादा प्यार दिया। हम आपको 34 साल पहले आए रामायण के कलाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं। 3 दशक बाद रामानंद सागर कृत रामायण के कलाकार अब काफी बदल गए हैं। इनमें से कुछ कलाकार दुनिया से विदा भी हो चुके हैं। हालांकि इन कलाकारों का किरदार सदियों तक अमर रहेगा। हनुमान की भूमिका निभाने वाले दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उन्होंने 100 से भी ज्यादा धारावाहिकों व मूवीज में काम किया है। इसी के साथ वे अपने समय के प्रसिद्ध पहलवान रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कई पदक जीते। भाजपा की ओर से ये 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। 12 जुलाई 2012 को 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। दारा सिंह ने रामानंद सागर की रामायण में हनुमान का रोल निभाया था। दारा सिंह आज भले ही दुनिया में ना हो, लेकिन लोगों के जहन में वे आज भी जिंदा हैं। उस दौर में दारा सिंह की कदकाठी हनुमान जी के किरदार के लिए एकदम परफेक्ट थी। उनके जैसा कोई दूसरा इस रोल में दर्शकों को पसंद नहीं आया। रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 250 से ज्यादा हिंदी गुजराती मूवीज व धारावाहिकों में काम किया है। इसके साथ ही ये 1991 से लेकर 1996 तक भाजपा की ओर से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। 2002 में भाजपा ने इन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में रावण का रोल निभाकर अरविंद त्रिवेदी ने खासी लोकप्रियता बटोरी थी। इस रोल ने उन्हें इस कदर सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया कि लोग उन्हें असल जिंदगी में रावण समझने लगे थे। लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी का जन्म 9 जनवरी 1961 को दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने विक्रम वेताल, दादा दादी की कहानियां जैसे धारावाहिक, नक्सलवादी, बहारों के मंजिल जैसे मूवीज में काम किया है। अभिनेता सुनील लहरी ने रामानंद सागर की रामायण में राम के छोटे भाई लक्ष्मण का रोल किया था। वे भी अपने किरदार में दमदार नजर आए थे। श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल का जन्म 30 अक्टूबर 1998 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने रामायण के अलावा राजा हरिश्चंद्र, विक्रम और वेताल, लव कुश, बसेरा, मशाल जैसे धारावाहिक व पहेली, ससुराल, हिम्मत वाला, कर्मयुद्ध, कानून जैसी कई मूवीज में काम किया है। रामायण में भगवान राम का किरदार अरुण गोविल की छवि ऐसी बनी कि लोग उन्हें भगवान राम ही समझने लगे और टीवी के आगे आते ही सिर को झुकाते थे। जहां भी वे जाते थे, पैर छूने के लिए लंबी लाइन लग जाती थी। कुछ दिन पहले जब अरुण जी एयरपोर्ट पर थे, तब एक महिला ने भगवान बोलकर उनके पैर छुए और उन्हें प्रणाम किया और अरुण जी ने उनको प्रभु श्री राम लिखा हुआ उत्तर भी दिया और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी। अरुण गोविल ने कई फिल्मों और सीरियल्स में काम किया, लेकिन जो सफलता उन्हें रामायण से मिली वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट से उन्हें नहीं हासिल हुई। माता सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका छिकलिया का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने घर संसार, घर का चिराग, नट सम्राट जैसी कई मूवीज में काम किया है। इसके साथ ही दीपिका 1991 से 1996 तक भाजपा की ओर से लोकसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को आज भी सीता के रूप में ही याद किया जाता है। वैसे तो टीवी पर कई एक्ट्रेस ने सीता का किरदार निभाया, लेकिन दीपिका जैसा दर्शकों पर जादू कोई नहीं चला पाया। दीपिका के आकर्षक फीचर और सौम्य व्यवहार आज भी लोगों को याद आता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें
साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।